जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है देशी भक्ति के इस बहुत ही खास वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि के 2023 के लव प्रेम राशिफल के बारे में। बंधुओं, इसके पहले भी हमने आपकी राशि के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि शत प्रतिशत सही साबित हुए हैं, और ऐसा आप ही लोगों ने हमें कॉमेंट करके बताया है। तो बंधुओं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके जीवन में कितने प्रतिशत सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बंधुओं, आपको बताते हैं आपके धनु राशि के प्रेम राशिफल के बारे में। आपको बता दें कि इस साल में आपकी राशि के लिए यानी कि धनु राशि के लिए प्रेम संबंधों के लिए 2023 उचित समय नहीं है। इस वर्ष आपके पार्टनर के साथ व्यर्थ की बातों पर ही आपका मनमुटाव बना रहेगा, आपके बीच गलतफहमियां स्थान लेंगी और अलग होने की संभावना रहेगी। मई जून जुलाई के महीनों में आप अत्यधिक तनाव महसूस कर सकते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। जो लोग प्रेम विवाह के इच्छुक हैं उन्हें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम विवाह के लिए 2023 के मई जून और जुलाई के महीने बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इस समय में आपका रिश्ता बचा रहे। प्रेम विवाह में परिवार वाले अड़चन पैदा कर सकते हैं। जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंधों के लिए बेहद कष्टकारी रह सकता है। ऐसे समय में आपके विश्वास का दामन आपको थाम के रखना होगा, अपने पार्टनर पर आपको विश्वास करना होगा और व्यर्थ की बहस में आपको उलझना नहीं है। आपको बता दें कि वर्ष की शुरुआत में ऐसे हालत बनेंगे कि आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका से रिश्ता खत्म हो सकता है। आपके बीच तनाव का मुख्य कारण गुस्सा और जल्दबाजी होगा। आपके कड़वे वचन आपके प्रेमी या प्रेमिका को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इस कारण आपके लिए सलाह रहेगी कि व्यर्थ के झगड़ों में मत उलझिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। आपको बता दें कि जिन विवाहित जोड़ों के बीच में मनमुटाव चल रहा है या उनके रिश्ते में कड़वाहट चल रही है, तो 10 मार्च से लेकर 10 मई के बीच में आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपको अपने जीवन साथी से हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आप लोग अगर प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 मई से लेकर 1 जुलाई के बीच में बचकर चलना होगा, क्योंकि आपके बीच में गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं जिसके चलते आपका रिश्ता टूट सकता है। इस दौरान आपके बीच में आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में गाली गलौज की स्थिति भी बन सकती है। आपको संयम का दामन थामना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कुछ समय के लिए ये साल आपके लिए बहुत फलदायी भी रहेगा, जैसे कि 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के बीच में। यह समय प्रेम को विवाह में परिवर्तित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में आपके प्रेम संबंध के बीच आ रही रुकावटों का अंत होगा, आप हर्षोल्लास से भरे रहेंगे। जिन जातकों के माता पिता विवाह के लिए नहीं मान रहे हैं उन्हें इस अवधि में शुभ समाचार मिल सकता है, उनके परिवार वाले उनका सहयोग करेंगे। जो जातक किसी अन्य जाति समुदाय में विवाह करना चाहते हैं यह समय उनके लिए भी फलदायी रहेगा। 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, आपके बीच गलत फहमियाँ होंगी और इन गलत फहमियों के चलते आप कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे आपके प्रेम संबंध खत्म हो जाएंगे। 16 नवंबर से दिसंबर के अंत तक का समय है वो भी आपके प्रेम संबंधों के लिए उचित नहीं है, और इस अवधि में आप प्रेम विवाह करने से बचें। कुछ उपाय हैं, अगर इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में जो भी कुछ कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। गले में पुखराज धारण करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। तांबे के एक लोटे में 800 ग्राम या 1 किलो मसूर की दाल भरकर उसे लाल रंग के कपड़े से ढककर अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और किसी मंदिर में रखाएं। ये कार्य आपको 5 मंगलवार करना है। गले में या कलाई पर ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण करें। हर रोज सुबह शनि मंदिर की सफाई करें और शनि मंदिर के में शाम के वक्त दीपक अवश्य जलाएं। तो बंधु, ये था वीडियो आपके लिए धनु राशि के लिए प्रेम के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।